अगर आप इसे हाथ में लेते हैं तो आपको एक प्रीमियम वाला फील आता है, लगता है ये काफी प्रीमियम है। गजब बेइज्जती है। हेलो दोस्तों, डिजिटल बालक में आपका स्वागत है। आज हम ओपन करने वाले हैं ब्लॉगिंग माइक, जो ये ब्लॉग करने में काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले बॉक्स के पीछे की स्पेसिफिकेशन पढ़ लेते हैं, इसमें क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। इसके वेट के बारे में बात करें तो 86 ग्राम का है ये, और इसका जो वायर आता है 3.5 mm का आता है। और ये जो ब्लॉगिंग माइक है, ये जो ब्लॉगिंग माइक है, ये स्मार्टफोन, टैबलेट, DSLR कैमरा और वीडियो कैम और ऑडियो कैम में आसानी से कनेक्ट हो जाता है। और ये काफ़ी लाइट वेट है और इसमें बैटरी की आपको आवश्यकता नहीं है। तो हम इसे ओपन करेंगे। फ्रेंड्स, ये है नॉइज कैंसिलेशन, इसकी क्वालिटी काफी सुपर्ब है। इसे यूज करने के बाद आपको काफी आसपास जो नॉइज है वो काफी ज्यादा कैंसिल करेगा। ये देख सकते हैं, ये माइक में इन किया हुआ है। अभी हम इसे ओपन करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये आता है माइक बोया की ओर से। यही है वो नॉइज कैंसिलेशन। आप इसमें देखेंगे तो इसमें दो केबल आते हैं। दोनों केबल में लिखा हुआ है, दोनों केबल में दिया हुआ है किसके लिए है। ये जो केबल है, एक मिनट, ये जो केबल है इसमें दो केबल आते हैं। ये केबल जो है ये फोन के लिए आते हैं। आपको इसमें दिया होगा, लिखा होगा, आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें दिया हुआ है फोन का, इसमें लोगो दिया हुआ है। और दूसरा जो ये केबल आता है, ये कैमरे के लिए आता है, कैमरा DSLR। अगर आप कैमरा DSLR से वीडियो बनाते हैं तो उसके लिए आपको ये केबल काफ़ी काम आएंगे। और ये वो क्लिप है जो आप ट्राइपॉड में स्टैंड कर सकते हैं और साथ में माइक को ऊपर लगा सकते हैं। और ये बैग है माइक को रखने के लिए, इसकी भी क्वालिटी काफ़ी सही है। ये फुल लेदर है, फुल लेदर बैग है। आपको इसमें काफ़ी सेफ होगा आपका माइक अगर आप इसमें आप रखते हैं तो। वही साथ में इसके इंस्ट्रक्शन, बोया की ओर से इंस्ट्रक्शन बुक आता है और साथ में वारंटी कार्ड आता है। इसे आप अगर फिल करते हैं तो आपको वारंटी मिलता है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे ओपन कर लिया है और ये दूसरा ऑर्डर है जिसे मैं अभी अनबॉक्स करूंगा। इसमें है ब्लॉगिंग ट्राइपॉड। इस ब्रांड का नाम है यूलेंजी और इसका मॉडल नंबर है MT11। आप प्रोडक्ट को अगर आप हाथ में लेते हैं तो आप देख सकते हैं, आपको काफी प्रीमियम फील होगा। ये टच करने पर लग रहा है रबर का है, लेकिन ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है। आप इसे कैसे भी करके रख सकते हैं, कोई रॉड है कहीं, आपको इसे अगर होल्ड करना है आप इसको कैसे भी करके मोड़ के इसको रख सकते हैं, इसे कुछ भी नहीं होगा। और दूसरी बात दोस्तों, आप इसे एंगल भी, या आप ये देख सकते हैं जो रेड वाला है, इसे करके भी वीडियो ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इसे देख सकते हैं, इसे मैंने इसे यहाँ से खींचा और इसे ओपन कर दिया, ठीक है। अब ये जो इस वाले पे है, यहाँ पे आपका स्मार्टफोन होल्ड होगा, या अगर आप चाहते हैं इसे कैमरा या DSLR से लेने के लिए तो सिंपली आप इसे डाउन करके इसे कैमरा को यहाँ होल्ड कर सकते हैं। तो हमें इसमें स्मार्टफोन यूज करना है तो आप देख सकते हैं,
स्मार्टफोन काफ़ी सही से लग गया। अब आप इसे इंडोर भी यूज कर सकते हैं और ब्लॉगिंग के लिए सिंपल आप इसे हैंड में पकड़ के ब्लॉग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने जो आपको अभी जस्ट एक माइक ओपन करके दिखाया वो ये, अभी मैं इसे लगाकर आपको दिखाऊंगा कि इस पर कैसे ये होल्ड होगा। ये माइक का क्लिप है जिसे पहले हमें इस क्लिप को ट्राइपॉड में सेट कर देना है। और ये हमारा रहा माइक। माइक में हम लगाएंगे नॉइज कैंसिलेशन। नॉइज कैंसिलेशन काफ़ी स्मूथ है। फ्रेंड्स, मैंने आपको जो बताया था इसमें जो ये कोड है ये फ़ोन वाला कोड है, तो ये फ़ोन में भी ऊपर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। ऊपर वाले कोड को माइक्रोफोन में हमें लगाना है और नीचे वाले कोड को फ़ोन में लगाना है हमें, तो हम इसे पहले लगाएंगे। और अब इसे फ़ोन में लगाएंगे। तो दोस्तों, हमारा सेटअप रेडी हो गया है। ब्लॉग के लिए हमारा ये ट्राइपॉड है, साथ में माइक है और हमारा फ़ोन है। अगर आप इसे हाथ में लेते हैं तो आपको एक प्रीमियम वाला फील आता है, लगता है ये काफ़ी प्रीमियम है। गजब बेइज्जती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।